We'll be right back.
Doesn't matter which one. Both of them. No. Really? First of all, what do you want to say about the song and your character? Tell us about your character in the song. So the song is amazing. I like so much. It's like, for me, it's a new experience. And
Indian song. Not everyone is good for me, but this is really amazing song. Have you got this song from how they offered you this song? Sorry? How they offered you this song? Have you got this? Have you got this song? From my agency. Sorry? From my agency, I mean, how? How often this one? Huh? How often this one? How often? How she got this song? What I can say? Choreographer F.A. Khan. He got her in the movie. So I'm working as model and they found me and the season, so I'm good for this song. So New Year is around the corner. What is the plan for this New Year? For New Year? Yeah. I will enjoy with my friends on Goa. One wish for audience. Happy New Year. So Happy New Year. Wish you all the best. वेल एक्चुअली स्पेशल बहुत ज़्यादा है क्योंकि फिरोज़ है इसमें और हम दोनों गुरु और चेले दोनों मिलके डांस कर रहे हैं मस्ती कर रहे हैं इसमें बहुत मसाला है राशिद भाई ने कंपोज़ किया है म्यूज़िक दिया है प्रदीप जी ने प्रोड्यूस किया है और चार पाँच दिन के बाद ये गाना आप देख सकेंगे अपने टीवी पे और ओवरऑल जो टीम थी वो बहुत ही ख़तरनाक थी एक्चुअली मैं ये कहूँगा क्योंकि हम लोगों ने बहुत मस्ती करके ये एल्बम बनाया है और बहुत अच्छे से शूट किया है फिरोज़ ने तो ये एक्चुअली फिरोज़ का है इसने सब जो मेहनत है ये फिरोज़ का है बस मैं एक्चुअली इन्होंने 10 साल पहले मुझे डांस सिखाया था और 10 साल के इनफैक्ट अभी भी जब भी मौका मिलता है मैं फिरोज़ को फोन करता हूँ प्रैक्टिस करते हैं यार प्रैक्टिस के लिए बोला आ जा और ये फिरोज़ आता है हमेशा और मुझे सिखाता है तो ये बस शुरुआत है और हम ऐसे ही कुछ ना कुछ अलग करते रहेंगे फिरोज़ क्या कहना चाहेंगे कैसे मतलब इस गाने में लाने के लिए क्या कुछ किया आपने गुरमीत को इस गाने में फीचर करने के लिए इस गाने को जब मैंने सुना तो इस गाने में वो धमाल मस्ती था और हमारे प्रोड्यूसर जी ने चाहा कि फिरोज़ इसमें तुम पिक्चराइज हो और आपका चेला गुरमीत जिसके बहुत पूरा हिंदुस्तान उनका नाम सुनता रहता है उनके जलवे देखते रहता है हर जगह तो मैंने गुरमीत को बोला कि ये गाना सुन अब बहुत अच्छा गाना है इसमें हम दोनों करते हैं और कोई नहीं करता तो वी आर वेरी गुड फ्रेंड एंड हम भाई भी हैं ये मेरा चेला भी है मैं गुरु भी हूँ तो मतलब भाई भी समझ लो जो समझना समझो बट इस गाने हमने जो मसाला जो मस्ती की है वो आप लोगों को ज़रूर दिखाई देगा बहुत जल्दी अच्छा इस गाने में हमने देखा कि जो है पूल पर पार्टी की जा रही है तो शूट करने का एक्सपीरियंस कैसा था ये गाने का आप दोनों से जानना चाहेंगे मैं एक्चुअली बहुत सबको मालूम है कि मैं थोड़ा शर्मिला हूँ थोड़ी शर्म आती है मुझे जहाँ पे लड़कियों की बात होती है लेकिन फिरोज़ का है फिरोज़ आज शादी होगी इसको क्या मैं बोलूँगा नहीं ये बिल्कुल शर्माता नहीं है इसने बोला कि नहीं स्विमिंग पूल पे हमें डांस करना है खुल के डांस कर वो जो एक शर्म थी इसने मुझे निकाल के रख दी है मतलब निकाल दिया है वो शर्म हटा दिया है और अब जब भी स्विमिंग पूल में मेरा शूट होगा मेरा कॉन्फिडेंस तो देखना ये एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत अच्छा रहा बट गुरमीत थोड़ा शाही किस्म का है वो शर्मा जाता है उसको इसमें भी जैसे लड़कियों ने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनी हुई है स्विमिंग पार्टी है फॉरनर्स है डांसर्स है तो वो ऐसा कुछ ज़्यादा किया नहीं है उसने शोज़ वगैरह में काफ़ी कुछ किया उसने बट लाइव और म्यूज़िक वीडियो में उसने कभी नहीं किया तो काफ़ी शर्मा रहा था तो मैंने उसको बोला भाई शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं तुझे ऐसा करना ये करना मुझे दे मैं करता हूँ और उसके बाद हमने मिलके किया और काफ़ी खुशी हुई उसको बिकॉज ऑफ मैं काफ़ी मूवीज़ में कोरियोग्राफर अभी ऐसे इंडिपेंडेंट उतर चुका हूँ तो गुरमीत को यह था कि मैं अच्छे अच्छे काम कर रहा हूँ तो वो मेरे साथ काम करने का मौका कब मिलेगा मैं भी सोचा गुरमीत ने भी एक आध दो मूवी की है हम दोनों साथ में करे तो मौका बहुत जल्दी आ गया और हमने साथ में ये म्यूज़िक वीडियो किया इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट हाँ इसके अलावा मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा है इरोज़ की मूवी है सनम तेरी कसम उसमें मैंने 4 सॉन्ग किए हुए अभी दूसरी आ रही है मेरी ये लाल रंग रद्दीप हुड्डा के साथ में तीसरी आ रही है और देवदास सुधीर मिश्रा डायरेक्टर है उसमें साउथ में मैंने काफ़ी मूवीज़ कर ली अभी अपकमिंग वहाँ पे भी 7-8 मूवीज़ है तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट इंशाल्लाह आस्ते आस्ते आप लोग सब देखोगे अच्छा न्यू ईयर आने वाला एक विश हो जाए ऑडियंस का सारे हमारे हिंदुस्तानियों को नए साल की शुभकामनाएँ प्रत्युषा सबसे पहले तो इस गाने के बारे में क्या कहना चाहेंगे गुरमीत ने गाना किया है तो
क्या कहना चाहेंगे, पोस्टर आपने देखा फिलहाल, क्या कहना चाहेंगे और गाना कैसा लगा? गुरमीत इज़ अ फैबुलस एंटरटेनर और हम दोनों साथ में थे झलक दिखलाजा में, सो दैट्स हाउ आई नो हिम एंड ही इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड टू बोथ ऑफ अस. तो आई थिंक हम दोनों गुरमीत को ढेर सारा गुड विशेस देने चाहेंगे, है ना? आप क्या कहना चाहेंगे? गुरमीत मेरा 11 साल पुराना दोस्त है जब मैं बॉम्बे आया था, और देविना उससे भी पहले की दोस्त है जब हम कैलकटा में साथ में मॉडलिंग करते थे. सो बेस्ट विशेस टू गुरमीत एंड देविना एंड लेट देम स्टे हैप्पी, जैसे वो हैप्पी कपल हैं. ये गाना बहुत सक्सेसफुल हो. इनफैक्ट राशिद भी मेरा बहुत पुराना दोस्त है, तो आने के बाद पता चला सब एक बहुत पुराना फैमिली है. बेस्ट विशेस टू देम एंड इट्स लुकिंग वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में. और गुरमीत तो एज अ परफॉर्मर इज़ द बेस्ट. वैसे हम बिलीव तो बहुत सारे रेजोल्यूशन लेने में करते हैं, मेरे तो कुछ 50 चीज़ों की लाइन लगी होती है, बट यूजुअली मैं कोई भी फॉलो नहीं करती, तो इस बार मैं कोई रेजोल्यूशन नहीं लेने वाली हूँ. हाँ, बट वी हैव आवर स्पेशल प्लान्स फॉर न्यू ईयर्स और आई थिंक हमारी सारी ऑडियंस को हम दोनों की तरफ से ढेर सारा न्यू ईयर का विशेज एंड हैव अ ग्रेट 2016. हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन. हैप्पी न्यू ईयर.